सबको इकट्ठे होकर चुनाव भी लड़ने पड़ेंगे, लड़ाइयां भी लड़नी पड़ेंगी, कानूनी लड़ाइयां भी लड़नी पड़ेंगी, और एकजुट हो गया तो इस चुनाव में तो दिखाई दिया कि 400 पार ढूंढते रह गए। एकजुट होकर लड़ेंगे तो आगे आने वाले चुनावों में भी ढूंढते रह जाएंगे कहां है। उसमें 9 अगस्त के बारे में डिटेल चल रहा था, कैसे 9 अगस्त कितना महान दिन है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, 10:30 बजे ऑर्डर आ गया देल का, मैं आंखें बंद की, मैंने भगवान से पूछा ये है क्या, 9 अगस्त भारत छोड़ो के दिन बेल दे रहे हो, चक्कर क्या है? अंदर से आवाज आई कि भारत छोड़ो के दिन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जेल से बाहर निकलो और तानाशाही भारत छोड़ो की आवाज लगाओ। मैंने सारी बात इसलिए कही क्योंकि तानाशाही की लड़ाई है, और ये तानाशाही मेरे लिए नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के लिए नहीं, विपक्ष के पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं के लिए नहीं, देश के एक एक आदमी को बचाने के लिए है। इसलिए आज कल जब सुबह बेल का ऑर्डर आया, उससे पहले मैं ऐसे ही टीवी देख रहा था, उसमें 9 अगस्त के बारे में डिटेल चल रहा था, कैसे 9 अगस्त कितना महान दिन है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, 10:30 बजे ऑर्डर आ गया देल का, मैं आंखें बंद की, मैंने भगवान से पूछा ये है क्या, 9 अगस्त भारत छोड़ो के दिन बेल दे रहे हो, चक्कर क्या है? अंदर से आवाज आई कि भारत छोड़ो के दिन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जेल से बाहर निकलो और तानाशाही भारत छोड़ो की आवाज लगाओ। तानाशाही भारत छोड़ो, इस तानाशाही का शिकार हर आम आदमी हो रहा है, तानाशाही भारत छोड़ो की आवाज उठानी पड़ेगी गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में। और हम ये नहीं कह रहे तानाशाहो भारत छोड़ो, हम तानाशाहो के खिलाफ नहीं, हम तानाशाहो को भारत नहीं छुड़वाएंगे। हमने कई देशों में ये मॉडल देख लिए, वो क्या करते हैं कई तानाशाह, वो बड़े बड़े आंकड़े दिखाएंगे, देखो हमारी इकोनॉमी इतने मिलियन ट्रिलियन फिलियन पहुंच गई, जीडीपी पीडीपी के आंकड़े इतने बढ़ गए, उसके बाद आंकड़े दिखाते दिखाते सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देते हैं या उनको देश से बाहर भगा देते हैं, विपक्ष के कार्यकर्ताओं को जेल में ठेल देते हैं, और उसके बाद कहते हैं देखो हम तो चुनाव पे चुनाव जीतते जा रहे हैं, हमारी तो जीडीपी भी बढ़ रही है, हमारे तो ट्रिलियन बिलियन चल रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो कई देशों की जनता ने दिखा चुकी है कि भाई हम तो तानाशाहों को बाहर भगा देते हैं, लेकिन हम भारत हैं, हम विवेकानंद की, गांधी की, नानक की जन्मभूमि है, हम बाबा साहब की जन्मभूमि है, हमारे को जरूरत नहीं है किसी तानाशाह को बाहर भगाने की, हम तो तानाशाही को बाहर भगाएंगे। तो तानाशाही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तानाशाही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तानाशाही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तानाशाही आज हमारे और आपके जीवन के लिए, एक आम आदमी के जीवन के लिए खतरा बन गई है, इसको छुड़वाना पड़ेगा। ये संविधान के लिए खतरा बन गई है, हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बन गई है, हमारी बहनों के लिए खतरा बन गई है, हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे व्यापारियों के लिए खतरा बन गई है, इससे लड़ना पड़ेगा। और एक चीज कहूंगा यहां से, विपक्ष के लिए भी और इनकी सत्ता में बैठे नए नए साथियों के लिए भी जो इनके साथ नए नए गए हैं, इस तानाशाही से अगर लड़ना है तो एकजुट होके लड़ना पड़ेगा। ये ना सोचें कि आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जेल में हैं, कल नंबर आपका भी आएगा, कल नंबर उनका भी आएगा जो दूसरे पक्ष में बैठे हैं या इधर के पक्ष में बैठे हैं, कल नंबर उनका भी आएगा जो इधर नए नए गए हैं कि हम तो इनके साथ हैं। एनडीए के साथियों को भी कहना चाहता हूं, उनके साथ जो गए हैं, और इंडिया गठबंधन के भी एक एक आदमी को और बाकी सब पार्टियों के साथियों को कहना चाहता हूं, पार्टी की जिंदगी के लिए नहीं, नेताओं की जिंदगी के लिए नहीं, देश के लिए इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, देश के लिए इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। और आज कह रहा हूं इस मंच से कि अगर देश के पूरे विपक्ष के नेता पूरी ताकत से एक बार हुंकार भर देंगे तो आज देश में वो माहौल है कि अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के बाहर अंदर बाहर आ जाएंगे। अगर देश के विपक्ष के नेता एकजुट होकर हुंकार भर देंगे तो केजरीवाल जी केवल और केवल 24 घंटे के अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे, मैं आज लिख के दे रहा हूं आपको। लेकिन इकट्ठे होकर करना पड़ेगा, ये मत सोचिए अभी तो केजरीवाल जी गए, जब हम पे आएगी तो देखेंगे, नहीं, सब पे आई हुई है, सबको इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा, सबको इकट्ठे होकर चुनाव भी लड़ने पड़ेंगे, लड़ाइयां भी लड़नी पड़ेंगी, कानूनी लड़ाइयां भी लड़नी पड़ेंगी, और एकजुट हो गया तो इस चुनाव में तो दिखाई दिया कि 400 पार ढूंढते रह गए। एकजुट होकर लड़ेंगे तो आगे आने वाले चुनावों में भी ढूंढते रह जाएंगे कहां है, 0 पार बस।
सीधे कहा जीरो पार। तो ये कोई ये ना सोचे कि अलग अलग लड़ लेंगे, जब हमारी लड़ाई आएगी तो लड़ लेंगे। लड़ाई सबकी है, लड़ाई देश की है, लड़ाई एक एक भारत के नागरिक की है। सब पार्टी वालों को, जिनको जनता ने थोड़ा थोड़ा भी कहीं कहीं भरोसा दिया है, कहीं ज्यादा दिया है, सबको इकट्ठा होके इस तानाशाही के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जोर से चिल्लाना पड़ेगा कि तानाशाही भारत छोड़ो। और जिस दिन तानाशाही भारत छोड़ो का नारा हर गले से निकल गया, केजरीवाल जी सबसे पहले जेल से बाहर आएंगे। हेमंत सोरेन जी आ गए ना, देखो कितनी दिन मुझे निकाला, अभी अरविंद जी भी आएंगे। लेकिन सबको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि सब। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो आज हम भरोसा दिलाते हैं कि दिल्ली के चुनाव में भी और बाकी चुनावों में भी पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक एक घर में इस आवाज को उठाएंगे, एक एक शहर, एक एक नगर में इस आवाज को उठाएंगे और बता देंगे कि हमारे इरादे कितने फौलादी हैं। तुम चाहे जितनी यातनाएं दे लो, तुम चाहे जितने जुल्म कर लो, जब तक इस देह में प्राण रहेगा और माथे पे संविधान रहेगा, इस दिल में हिंदुस्तान रहेगा। भारत माता की, भारत माता की।